अफगानिस्तान को तालिबानियों से महफूज रखने के लिए अमेरिकी और नाटो सैनिक थे तैनात। अमेरिका ने करीब 10,000 सैनिकों को लगाया था मदद के लिए अफगानिस्तान तालिबानियों से महफूज रह सके। इसके लिए पिछले 2 दशक से वहां अमेरिकी और नाटो सैनिक तैनात थे। तालिबान से निपटने और अफगानी सेना की मदद के लिए अमेरिका ने करीब 10,000 सैनिकों को इस ऑपरेशन में लगाया था। अमेरिकी सेनाओं ने तालिबानियों को हराने के लिए करीब 3 लाख अफगानी फौज को ट्रेनिंग दी। अमेरिका ने देश के सुरक्षा बलों के हथियारों, उपकरणों और ट्रेनिंग पर करीब 65 खरब रुपए खर्च कर दिए। अमेरिका ने अफगानी सैनिकों को अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों से लैस किया। अफगानी वायु सेना तक के रखरखाव का जिम्मा भी अमेरिकी सैनियों ने ही संभाला। इस पूरे अभियान में अमेरिका को अपने 2,300 सैनिकों को भी गंवाना पड़ा। एनर्जी ड्रिंक से लेकर बख्तर बंद वाहन तक छोड़ दिया पीछे। अमेरिकी सैनिकों ने 20 साल के संघर्ष के बाद सबसे बड़ी सैन्य चौकी बगराम एयरबेस पीछे छोड़ दी है, जिसमें एनर्जी ड्रिंक से लेकर बख्तर बंद वाहनों, हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहन, नागरिक वाहन, हथियार और गोला बारूद तक है। हालांकि 984C-17 परिवहन विमान से भारी मात्रा में सामग्री देश से बाहर भी भेजी गई, जबकि अमेरिकी सैनिकों ने कुछ हथियारों को वापस ले जाने या इन्हें अफगानी सेना को सौंपने के बजाय बाबा मीर के विशाल कबाड़ खाने में टैंक, तोप खाने और अन्य हथियारों के टुकड़ों को नष्ट कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमान है कि अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ने से पहले करीब 1500 से 1700 उन सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए जिन्हें वापस स्वदेश ले जाना संभव नहीं था। इसमें से 387 मिलियन पाउंड यानी 176 मिलियन किलोग्राम स्क्रैप पहले ही अफगान सरकार को $46.5 मिलियन में बेचा जा चुका है, जबकि कुछ हथियार अफगान सैनिकों को सौंपे गए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि अफगानिस्तान से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।